Hello viewers, today I am going to tell you how to block or allow the pop-ups in Chrome. By default, Google Chrome blocks pop-up for automatically showing up on your screen. When pop-up is blocked, the address bar will be marked pop-up block and this symbol. And you can also decide to allow a pop-up. Pop-up जो होता है, आपको कुछ message आता है, good morning है. या कुछ वेलकम है या कुछ आपको कोई इवेंट हेल्ड होने जा रहा है तो उसके बारे में आता है तो उसको आप चाहें तो ब्लॉक कर दीजिए और चाहे तो ना करिए। इफ यू स्टिल गेट पॉपअप आफ्टर डिसेबलिंग देम, और अगर आपने पॉपअप बंद किया और उसके बाद भी पॉपअप आ रहा है तो यू मे हैव अ प्रीवियसली सब्सक्राइब टू रिसीव नोटिफिकेशन फॉर दिस साइट। दैट मीन्स कि आपने उस साइट को सब्सक्राइब किया है और आप नोटिफिकेशन चाहते हैं इसलिए नोटिफिकेशन आ रहा है। सो यू कैन ब्लॉक दैट नोटिफिकेशन और इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू। योर कंप्यूटर और फोन में भी इन्फेक्टेड बाय मालवेयर, और यह हो सकता है कि आपका कंप्यूटर या फोन जो है वो मालवेयर से इन्फेक्टेड हो। टर्न पॉपअप ऑन और ऑफ, इट्स डिपेंड अपॉन यू। On your computer, open Chrome at the top right corner, more three dots, settings under privacy and security, click site setting, click pop-ups and redirect, and at the top turn the setting to allow or block. तो सबसे पहले क्या करिएगा, क्रोम में जाइए, थ्री डॉट्स को चेक क्लिक करिए, सेटिंग पे जाइए, फिर प्राइवेसी एंड सेट सिक्योरिटी पे जाइए, फिर साइट सेटिंग पे जाइए, वहाँ पे पॉपअप और रिडायरेक्ट मिलेगा, वहाँ पे आप उसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बटन को ऑन कर दीजिएगा तो ब्लॉक हो जाएगा और नहीं करिएगा तो अलाउड रहेगा। ब्लॉक और अलाउ अ पॉपअप फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। अब क्रोम पे आपने ब्लॉक तो लगा दिया, ब्लॉक की पर्टिकुलर उसमें कि कैसे भी पॉपअप ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर साइट पर भी आप ब्लॉक लगा सकते हैं। अलाउ पॉपअप फ्रॉम पॉपअप फ्रॉम साइट। अब किसी पर्टिकुलर साइट का पॉपअप आप देखना चाहते हैं तो आप कैसे अलाउ करिएगा। ऑन योर कंप्यूटर ओपन क्रोम, गो टू पेज वेयर पॉपअप्स आर ब्लॉक्ड। इन एड्रेस बार क्लिक पॉपअप ब्लॉक, क्लिक द लिंक फॉर अ पॉपअप यू वांट टू सी। टू ऑलवेज सी पॉपअप फॉर अ साइट, सेलेक्ट ऑलवेज अलाउ पॉपअप एंड रीडायरेक्ट फ्रॉम साइट डन। आप किसी पर जैसे आप गूगल क्रोम से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कुछ नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसको आप अलाउ कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक कैसे करेंगे, ओपन क्रोम एट द टॉप राइट कॉर्नर थ्री डॉट्स, क्लिक सेटिंग अंडर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्लिक सेटिंग साइट सेटिंग एंड क्लिक पॉपअप एंड रीडायरेक्ट एंड अलाउ। तो डिसअलाउ करना है तो ब्लॉक कर दीजिए और अलाउ करना है तो अलाउ पे करके इसको ब्लॉक कर दीजिए। टू द राइट ऑफ द साइट क्लिक मोर ब्लॉक, साइट के राइट में थ्री डॉट आएगा और ब्लॉक आएगा, उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर साइट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इफ द साइट इजंट लिस्टेड नेक्स्ट टू ब्लॉक, क्लिक ऐड, enter the site web address and then click add. To capture all pop-ups across the site, use the pattern star.example.com. अब अगर आपको add नहीं, click add नहीं मिल रहा है ब्लॉक पे और आप नहीं साइट को ब्लॉक कर पा रहे तो ये वाला pattern आप यूज करिए, तो ये वाला सिंटैक्स आप यूज करिए साइट पे तो वो ब्लॉक हो जाएगी। पॉपअप अक्रॉस द साइट यूज द पैटर्न star.example.com। वहाँ पर यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस डालिए और ऐड करिए तो आपको ब्लॉक का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ब्लॉक नोटिफिकेशन, अब आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन भी ब्लॉक हो जाए। इफ यू स्टिल गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम साइट आफ्टर डिसेबलिंग पॉपअप, यू मे बी सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन टर्न ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द साइट। और योर कंप्यूटर ओपन क्रोम, गो टू द साइट यू आर गेटिंग नोटिफिकेशन फ्रॉम, सेलेक्ट व्यू साइट इंफॉर्मेशन,
Next to the notification, select block from the drop down menu. तो क्रोम पे जाएंगे, साइट पे के नोटिफिकेशन, गेटिंग नोटिफिकेशन यहाँ से मिला है, टू गो टू द साइट यू आर गेटिंग नोटिफिकेशन, उस साइट पे जाएंगे, सेलेक्ट व्यू साइट इंफॉर्मेशन करेंगे, ये ऐसा बना सिंबल आएगा, वहाँ से सेलेक्ट व्यू फाइल इंफॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट टू द नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन पे जाएंगे, सेलेक्ट ब्लॉक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. तो वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा जहां से आप साइट को ब्लॉक कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ब्लॉक नोटिफिकेशन फ्रॉम योर साइट. प्रॉब्लम विथ पॉपअप्स, स्टिल सीइंग अनवांटेड पॉपअप, ट्राई रनिंग द क्रोम क्लीनअप टूल. उसके बाद भी नोटिफिकेशन या पॉपअप आ रहा है तो आपको क्रोम का क्लीनअप टूल को रन करना पड़ेगा. Then read other option for finding and removing malware from your computer. और हो सकता है आपके इस पे malware हो तो उसको remove करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे remove करें. Using a Chrome device at a work or a school, the network administrator can set up the pop-up blocker for you. If so, you can't change this setting yourself. अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ सेटिंग की है तब आप इस सेटिंग को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी चाहिए होगी. यूजिंग अ मैनेज क्रोम डिवाइस, अब आप अगर क्रोम डिवाइस को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो साइट पे जाइए और वहां से उसको मैनेज करना सीखिए. लर्न हाउ टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक वेबसाइट कनेक्ट व्हेन यू आर यूजिंग क्रोम, और कैसे वेबसाइट काम करे जब आप क्रोम को यूज करते हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. माय साइट पॉपअप आर बीइंग ब्लॉक्ड, क्रोम ब्लॉक पॉपअप दैट यूजर माइट नॉट फाइंड यूजफुल. क्रोम बहुत से ऐसे पॉपअप को ब्लॉक कर देता है जो वो सोचता है कि यूजर के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि आपका वो पॉपअप आपको जरूरत है, if your pop-ups are being blocked on a site that you own, visit the abusive experience report. In the report, you will learn if there are any issue found with your site that you can address. Or, agar aapko block pop-up chahte hain, to abusive experience report ko visit ke liye wahan par aapko jo koi issue hoga to mil jayega aur usko aap solve kar payega. So this is all today, viewers. If you like it, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal. Follow my all social media link and join Telegram channel. All links are given in the description. Thank you.